पापा देखो ये मेरी अर्निंग हो रही है यूट्यूब से। तो पापा बोल रहे हैं कि पढ़ाई इतना ये सब चीजें कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे। घर पर बना लो। तो अबे मारी तो पढ़ाई, चपला मारी तो मानो पर कमी। क्यों करो तुम। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ना मेरे जो पापा है, मेरे पापा ने ना मेरे को मना कर दिया है घर में व्लॉगिंग करने से, क्योंकि उनको ना ये है कि ना जो मैं घर की चीजें दिखाता हूँ ना, उनको ऐसा लगता है मैं एक्सपोज कर रहा हूँ हमारे घर को। तो उनको ना ये सब चीजें पसंद नहीं है, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि भाई तू घर की वीडियो मत बनाया कर, तू सबको कुछ भी दिखा देता है, कुछ भी बोल देता है, ये हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, क्या होगा इससे कुछ। तो उनको इतना पता नहीं है सोशल मीडिया की पावर, उनको पता नहीं है, बट मेरे को पता है। मैं उनको बोला मैं तो बनाऊंगा, बोले कि तू किस कहीं की भी बना ले, लेकिन हमारे घर की नहीं बनानी चाहिए, तू तेरी जो भी कर, तू हिसाब से जो भी बना सकता है वो बना ले, बट हमारे घर घर की वीडियो मत बना। तो मेरे को भी ऐसे थोड़ा ना डिमोटिवेट हो गया मैं, और घर वाले भी ऐसे बोलने लगे, तो बाहर वाले तो बोलते ही होंगे शायद। तो कहीं ना कहीं पापा को किसी ने बोला होगा कि तेरा ये लड़का एक वीडियो बना रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो मैं सोचता कि था कि ना सभी यूट्यूबर्स जो व्लॉग बनाते हैं, तो मैं सोचता था क्या पता वो ऐसे ही नाटक कर रहे होंगे, बट हाँ मेरे को गाइस अभी पता पड़ा। तो गाइस मेरे को अब पता पड़ा है कि जब मेरे घर वालों ने मेरे को ऐसे बोल दिया कि हाँ तू वीडियो मत बना हमारी, और कोई कोई वो कोई सब बोलते हैं कि तेरा लड़का क्या करने लग गया, वीडियो बनाता है घर की वीडियो बनाता है। राजस्थान में तो यही सब है ना, जो सिस्टम होता है सब चीजें राजस्थान में चलती रहती है, तो उस वो कल्चर मेरे कहीं ना कहीं मेरे पापा को भी ऐसे। हाँ तो ये है कि ना कोई हमारे घर में कोई है ना ऐसे एजुकेटेड तो है नहीं, हम ही पढ़ रहे हैं। तो हम वैसे मैं ऐसे वीडियो बनाना हूँ तो मेरे को सोशल मीडिया की पावर पता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ भी सब है ना जो जो भी कर रहे हैं अपना, जो भी दिनचर्या डेली व्लॉग अपलोड करके बहुत कुछ हो रहा है, अपनी वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल लोगों को दिखा रहे हैं। तो होगा मुझे पता है होगा, लेकिन मैं घर वालों को कैसे समझाऊं। अभी तो मेरे पास कोई यूट्यूब मनी भी नहीं आ रही है, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, सारी चीजें ही है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अगर कुछ ना अर्निंग होती तो मैं पापा को लेके दिखा भी सकता था कि पापा देखो ये मेरी अर्निंग हो रही है यूट्यूब से। तो पापा बोल रहे हैं कि पढ़ाई इतना ये सब चीजें कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे कुछ बन जाएगा। तो हाँ ये तो हर फैमिली में होता है कि हाँ कि भाई पढ़ ले कुछ अच्छा, पापा का काम कर लेगा, नौकरी लग जाएगा। तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, बट व्लॉगिंग में पार्ट टाइम भी करना चाहता था, बट मेरे घर वालों ने मना कर दिया है। साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि हमारी वीडियो नहीं बननी चाहिए घर की, बेसिकली घर की वीडियो तो बननी नहीं चाहिए। सारी वीडियो बता रहे थे, जैसे मेरे परसों के दिन चप्पल खो गई थी, तो मेरी चप्पल मिल गई थी, तो मैंने व्लॉग में वो भी शूट करके मैंने व्लॉग में डाल दिया था, फिर भी पापा ने बोल दिया कि क्या तेरी चप्पल घूम गई है, सारे दिखा रहा है लोगों को, लगता होगा इसके पास एक ही चप्पल है वैसे वैसे। तो यार मतलब जो मेरे साथ हो रहा है मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीजें। और बहुत सारे ना लोग ऐसे हैं मेरे को मेरे मोहल्ले में भी है जो ऐसे कहते हैं कि ना ये देखो आ गया मतलब व्लॉगर आ गया, मतलब सारे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो वो भी वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि हमें भी एक्सपोज करा, इतना तो बड़ा तेरा चैनल हुआ ही नहीं है। बट हाँ जो भी मेरे को ना ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और डेली व्लॉग मैं ना अपने डेली व्लॉग लाइफस्टाइल के डेली व्लॉग 21 व्लॉग, आज 21 तारीख है, मैंने ना मेरे डेली लाइफ के ब्लॉग 3 दिन मैं पेंडिंग में हूँ, तो 18 व्लॉग मैंने अपलोड कर दिए। डेली व्लॉग बनाना, एडिट करना, उन्हें अपलोड करना, गाइस ये मेरे को आप स्ट्रगल पूछिए कि ये स्ट्रगल कितनी भयंकर होती है। बैठ के पढ़ने में ना इतनी दिक्कत नहीं होती है जितने व्लॉग बनाने बना के एडिट करके उसे अपलोड करने में इतनी दिक्कत होती है ना। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप एक बार खुद एक व्लॉग बना के जैसे मैं दिखा रहा हूँ, कोई उसमें ना आपको ना कंटेंट नहीं चाहिए, जैसे मेरे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है तो आपको भी कोई कंटेंट नहीं लाना है, बट जो आप मेरे को जो वीडियो जो भी अभी मेरा वीडियो देख रहा है उस बंदे से मैं ये बोल रहा हूँ कि ना जो आप मेरे को एक्सपोज कर मतलब जो एक मेरे को आप ना हेट दे रहे हो ना, जो मेरे पापा को भी मैं यही बात बोला कि आप ना अगर ना खुद एक दिन ना ये वीडियो बना के और ना एडिट करके और अपलोड मैं करवा दूंगा, वो सारी गारंटी मेरी अपलोड करवानी, बस एडिट करके और वीडियो बना के एडिट करके मुझे दे दो, उसमें आपको पता चल जाएगा कितनी स्ट्रगल है क्या है। तो मेरे पापा बोले इतनी स्ट्रगल इसमें करा तो पढ़ाई में कर, कुछ बन भी जाएगा। तो फिर मेरे ऐसे डिमोटिवेट हो गया और मेरा माथा खराब हो गया कि क्या करूँ,
घर वालों ने मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए। मेरी इच्छा कर रही है फुल वीडियो, मैं तो रोज ही व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं करती तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकता, वीकली भी कर सकता था एक व्लॉग अपलोड, या ये मतलब मंथली भी कर सकता था, फोर्थ या मंथली 3-4 व्लॉग अपलोड कर सकता था। बट मेरे को डेली व्लॉग करने की हिम्मत भी है, मतलब हिम्मत तो थी, बाकी है ना पैशन भी हो गया अब ये मेरे व्लॉगिंग करना। और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लगने लग गया व्लॉगिंग करना। और अब बट अब ये सारी ना दिक्कतें क्रिएट हो रही है, तो गाइस क्या करें यार। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मेरे साथ, तो थोड़ा ना डिमोटिवेट जैसा फील हो रहा है। और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होता भी तो मेरे घर वाले भी मेरे को एग्री होते मेरे साथ कि हाँ तू वीडियो बना। बट सभी के घर वालों के जैसे मेरे घर वाले भी है, बहुत सारी यूट्यूबर्स की मैंने ना कहानी सुनी है, तो सभी यूट्यूबर्स यही एक ही बात बोलते हैं कि घर वालों ने मना कर दिया वीडियो मत बना वैसे वैसे। तो आज मेरे को पता चला कि हाँ घर वाले मना करते ही हैं, और मेरे घर वालों ने भी मना किया है। बस एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि तू तेरी वीडियो बना, तू तेरी कैसी वीडियो बना, बट हमें बीच में मतलब तेरी वीडियो के अंदर हमारे घर की कोई चीज़ नहीं दिखनी दिखानी दिखनी चाहिए। जैसे मैं जब बताया था ना आपको होम टूर करवाया था, वो होम टूर भी उन्होंने बोला कि ऐसा बता दिया ये वो, तो ऐसी दिक्कत हो रही है मेरे साथ। तो आई होप गाइस आप समझे होंगे मेरी फीलिंग्स को। तो यार ये व्लॉग यहीं पे एंड करने का मन कर रहा है मेरा, तो चलो कर ही देते हैं। आई होप मेरी फीलिंग्स समझे होगे आप। तो गाइस मेरे को सपोर्ट कीजिए यार, तो ताकि मैं बता सकूं कि हाँ सोशल मीडिया की पावर कितनी है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। 365 डे व्लॉग मैंने जो टारगेट लिया था गाइस वो तो मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे घर घर की ना बनाऊँ मैं वीडियो, बट डेली व्लॉग बनाऊंगा। मेरे को चाहे बाहर जाना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े जाऊंगा मैं, बट व्लॉग बनाऊंगा। और पसीना देखो कितना आ रहा है क्योंकि ये देखो ये फैन बंद कर रखा है, क्यों? क्योंकि ये ना अगर मैं अभी बोलूँ ये ईयरफोन का माइक है, देखो पसीना स्ट्रगल देख रहे हो आप, इतना पसीना हो जाएगा इसे देखो। तो इसलिए क्योंकि ना आपको मेरी आवाज क्लियर आ जाए इसलिए फैन बंद कर रखा है। तो अभी चलो।